नमस्कार दोस्तों, आप सबका उन्नति एस्ट्रो वाला के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के द्वारा आपको किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, बाकी आप कह सकते हैं कि अलग अलग ज्योतिष के विषयों से उसको कैसे देखा जा सकता है, उसके बारे में अपनी नॉलेज को शेयर करूंगा। तो देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए आज मैं बात करता हूं, क्योंकि तो मेरे वीडियो को देखकर या बहुत सारे लोग संतान के विषय में अवश्य बात करते हैं, संतान के विषय में भी, नौकरी के विषय में भी, या शादी के विषय में। आजकल ये मेन टॉपिक है जहां पर ज्यादातर लोग आते हैं, और जो पढ़ने के लिए आते हैं वो तो एक अलग बात। तो इस प्लेटफॉर्म पर, उन्नति एस्ट्रोवाला के प्लेटफॉर्म पर, हम भृगु नंदी नाड़ी, वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष यानी न्यूमरोलॉजी या केपी एस्ट्रोलॉजी के कोर्सेज कराते हैं। तो इन सब विषयों पर पढ़ाते पढ़ाते जो मेरा अपना अध्ययन है या गहन अध्ययन है, जो चीजें उभर कर आई हैं, जो एक मैं विशेष रूप से बिगनिंग के लिए अपने YouTube व्यूवर्स को दे सकता हूं, वो मैं आज देने की कोशिश करूं। तो वैसे ही चलेंगे जो आज मैंने सीक्वेंस लिखा है, भृगु नंदी नाड़ी, वैदिक, न्यूमरोलॉजी और केपी एस्ट्रोलॉजी। तो इनमें मैंने लिखा भी है कि भृगु नंदी नाड़ी प्योर कारक तत्व, कारक तत्व बेस्ड एस्ट्रोलॉजी, और वैदिक जो है हाउस बेस्ड, भाव बेस्ड, जो मेरा अपना परसेप्शन है मैं वो बता रहा हूं। मैं किसी विद्वान पुरुष के साथ यहाँ कोई डिबेट नहीं चाहता हूं, क्योंकि अक्सर विद्वान किसी की कमियां निकालने में ज्यादा ध्यान देते हैं, और उस रिजल्ट का या उस जो चीज कही बात को वो उसको देखते हैं। केपी एस्ट्रोलॉजी में मुझे लगता है कि वो नक्षत्रा बेस्ड, सारा कुछ नक्षत्रा बेस्ड ही है, और अंक ज्योतिष में एक बिंदु बनता है। बिंदु का मतलब है कनेक्टिंग पॉइंट, जहां पर भी कोई दो चीजें कनेक्ट होंगी, एक पर्टिकुलर बिंदु पे आके कनेक्ट होंगी, जो मैं अपनी न्यूमरोलॉजी भी ऐसे ही पढ़ाता हूँ। तो इन सब चीजों के साथ चलते हैं, पहले हम भृगु नंदी नाड़ी से संतान के लिए देखते। ये जो आज आपके सामने चार्ट दिख रहा है, या जिस चार्ट पे मैं अब बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये एक लड़के का चार्ट, यानी एक मेल मेंबर का चार्ट है। हम ये देखना चाहेंगे कि भाई इस चार्ट के अंदर क्या इस संतान, इस जातक को संतान की प्राप्ति हो सकती है। संतान प्राप्ति का या कोई भी चीज प्राप्ति का, भृगु नंदी नाड़ी से अगर कोई चीज देखनी हो तो गुरु के साथ, क्योंकि जिंदगी देने वाले या किस्मत बनाने वाले 3 ग्रह, सूर्य, बुध, शुक्र, जिस जातक का गुरु का संबंध सूर्य, बुध या शुक्र से बन जाएगा, वो जातक की जिंदगी बन जाएगी। अदरवाइज बहुत सारी चीजें कमियां, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हाँ, अगर डायरेक्ट संबंध बनेगा तो चीजें आसान से मिलेंगी, इनडायरेक्ट संबंध मिलेगा मुश्किल से मिलेंगे। अब इस जातक का गुरु जो है वो लियो साइन में है। लियो साइन मतलब सूर्य की राशि में है। जुपिटर का डिस्पोजिटर सूर्य होने की वजह से, और जुपिटर का ट्राइन में होने की वजह से, 159 में जातक का सूर्य के साथ संबंध बन गया। तो यानी 100% में से आप ये तो कह सकते हैं 33% इसकी जिंदगी में हैप्पीनेस जो है वो सूर्य की वजह से आएंगे। अब सूर्य क्या है, कैसे है, वो बात की बात छोड़ते हैं, क्योंकि उस विषय पे मैं अभी और डिटेल में बताऊंगा, वो मैं पढ़ाई में बताता। तो अब मान के चलिए कि भी जातक की डेस्टिनी बननी है, और जो सूर्य है वो पुत्र का कारक है, और वैसे तो बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, जैसे आप कह सकते हैं जो मैलेफिक प्लैनेट हैं वो बॉय का इंडिकेशन देते हैं, बेनिफिक प्लैनेट जो हैं वो जो सॉफ्ट प्लेनेट है, फीमेल प्लेनेट आप कह सकते हैं, जो फीमेल प्लेनेट हैं वो गर्ल को इंडिकेट करते हैं, मेल प्लेनेट बॉय को। लेकिन मैं आज इस वीडियो के द्वारा एक और अपनी जो पढ़ाने के दौरान मैं बताता हूँ सबको, या रिसर्च है मेरी अपनी खुद की, अगर गुरु वक्री है चार्ट में, गुरु वक्री है, चाहे वो संबंध मेल प्लेनेट से बना रहा है, फिर भी संतान का जेंडर चेंज हो जाएगा। यानी अगर गुरु वक्री है और सूर्य के साथ संबंध बना रहा है, चार्ट में ज्योतिषी बताएंगे कि लड़का होगा, लेकिन वो लड़की होगी।
और भी बहुत सारे इसके लेयर्स हैं, लेकिन ये आज एक चीज बता रहा हूं। तो यहां ये बताना चाहता हूं कि जातक के लड़की हो, जातक की एक संतान है लड़की। चलो, संतान हमने देख लिया भृगुनंदिनी से, इसी को यहीं रोकते हैं। पंचम भाव में अगर हम लगन चार्ट से देखें, क्योंकि लगन चार्ट से सब कुछ देख सकते हैं, अगर आपको लगन चार्ट से दिक्कत आती है तो आप D60 देख सकते हैं, इससे भी सब कुछ देख सकते हैं। जो वैदिक के अंदर जो लगन चार्ट से आपको कोई चीज ऐसे पेंसिल दिखाई दे रही है एक, और ये पेंसिल कितने की है इसको हम नजदीक से लाके, जैसे मैं कैमरे में दिखा रहा हूं कि भाई ये नटराज की पेंसिल है, इतनी बारीकी से आप चीजों को देख सकते हैं। नटराज 621 का ब्रांड है, अगर दूर से देखोगे तो पेंसिल ही दिखेगी, लेकिन नजदीक से देखोगे तो ये देखोगे कि ये नटराज 621 की पेंसिल है और रेड और ब्लैक कलर का इसका कॉम्बिनेशन। तो ये सस्यांशा का काम है। तो यहाँ पे अगर कोई केतु बैठा होगा तो लोग कहेंगे यार मुश्किल है, लेकिन गुरु की दृष्टि आ रही है, भाई ठीक है हो जाएगा। केतु शनि के राशि में बैठा है क्योंकि भाव बेस्ड है ना, मैंने आपको पहले ही बताया यहाँ लिखा है कि वैदिक भाव बेस्ड है, और शनि अपने घर को देख रहा है। गुरु और शनि जहाँ बैठ जाते हैं काम तो भैया देंगे आपको, वो भाव का रिजल्ट जरूर देंगे। गुरु शनि जहाँ बैठ गए, क्योंकि वो एक आप ये कह सकते हैं गुरु शनि एक साथ बैठना वो परिवार के बारे में ऐसा बताते हैं कि अच्छा परिवार है, जिसके चार्ट में गुरु शनि इकट्ठा बैठा हो, आमने सामने बैठा हो, वो अच्छा परिवार अच्छी लीनियस को बताता है। लेकिन क्या है कि उसके साथ और प्लेनेट बैठ जाए तो थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम भाव बेस देखें, गुरु शनि बैठ गए 11वें से बैठ के सीधा अपना सप्तम दृष्टि से मार्स राहु के साथ देख रहे हैं, और जब अगर राहु को लेंगे तो केतु को नहीं लेंगे, अगर केतु को लेंगे तो राहु को नहीं लेंगे। तो इस प्रकार से अगर हमें देखना होगा तो ये चीज देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि भी संतान की प्राप्ति तो अवश्य है वैदिक के हिसाब से। अब क्योंकि वैदिक में भी ऐसा कहा गया है कि शनि जो है एक फीमेल प्लेनेट है, बेसिकली उसका जो नेचर है वो फीमेल की तरह कहा गया है, तो एक संतान यहाँ से आपको वैदिक से भी मिल जाएगा। और यही सेम चेंज अगर आप ये देखोगे D64 से, आपके साथ मैंने रेफरेंस के लिए लगाया, यहाँ पर भी जुपिटर और केतु बैठा है और वो बुध की राशि में बैठे हैं। बुध एक अगेन गर्ल को इंडिकेट करता है, वो बुध फिर शनि की राशि में गया तो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। तो चार्ट से हमने कहा कि जब मान लिया कि भी लड़की होगी, अरे एक लड़की है अगले के और कोई, तो क्यों नहीं है उसकी, उसका भी कारण है, लेकिन वो यहाँ नहीं बता डिस्कस किया जा रहा। अब चलते हैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। न्यूमरोलॉजी में भी चार्ट की जो क्रिएटिविटी है वो 7 नंबर से देखी जाती है। चाइल्ड बर्थ है जो आपकी इंडिकेशन जो है, पहली इंडिकेशन है, वैसे तो पूरी एक्सेस में एक बिंदु बनता है, लेकिन यहाँ पर 7 है तो ये इंडिकेट करता है कि 7 नंबर होने से, और 3 नंबर शायद इसका ड्राइवर या कंडक्टर से आ रहा है तो डायरेक्ट नहीं है, 3 और 4 है, 3 और 4 का कॉम्बिनेशन अगर चार्ट में बर्थ हो अपनी तरफ से तो सीधा हम देख के बताते हैं भाई लड़की की बात होगी। जैसे 7 और 3 हो तो हम कह देते हैं सीधा अगर प्रोमिनेंट है और सीधा डायरेक्ट नंबर है तो लड़की की बात होगी। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कोई खाली किसी को मिस कैरिज होते हैं और फिर उसके बाद सेकेंड या थर्ड प्रेगनेंसी में ही होती है और वो भी लड़का ही होता है, तो उसके लड़का 1 लड़का 2 लड़के 3 के अलग नंबर से देख सकते हैं। लेकिन फिर भी हम एक जनरल बात कर रहे हैं कि न्यूमरोलॉजी से भी एक डॉट बन रहा है। डॉट बनने के लिए क्या होगा कि भाई 7 नंबर के साथ वो एक्सिस तो कोई ऐसी, जब भी कभी ये हुआ होगा तो एक डॉट बनना होगा, 3 5 7 का नंबर है और लड़की हुई तो 4 5 6 का, तो कहीं ना कहीं जब इस जातक को ये संतान की प्राप्ति हुई होगी, मैं आपको बता रहा हूँ जहां पे भी जातक को संतान की प्राप्ति हुई होगी तो एक सीधा मान के चलिए न्यूमरोलॉजी की महादशा के अनुसार इसको लड़की प्राप्त हुई है, तो 4 नंबर यानी राहु की महादशा चल रही होगी, राहु की महादशा में जब अंतर दशा होगी 7 नंबर की होगी तभी इसको लड़की होगी। अपना सिंपल सा लॉजिक है, रिसर्च बेस्ड, हम तो सारा ये डॉट बनाते हैं और ये डॉट बना के हमने सीधा कहा कि भी इसमें 4 और 7 का यानी 4 की महादशा होगी 7 का होगा, तो अगर ये फर्स्ट लड़की है विदाउट एनी अबोर्शन और वो मतलब मिसकैरेज, तो ये सीधा का सीधा एक लड़की का चार्ट मतलब लड़की की बर्थ को इंडिकेट करता है। सिमिलरली अगर हमें यही चीज देखना हो केपी के अंदर, केपी के अंदर मैंने कहा कि वो नक्षत्र बेस्ड है, केपी पेपी में जो सारा कुछ है वो नक्षत्र बेस्ड है, क्योंकि वहां पर आप वो लेते हैं भाव चरित लेते हैं, कस्प लेते हैं, वो उनका अपना स्टाइल है।
अपना जो स्टाइल है वो सिंपल यही है कि भाई आप देखिए, आप उसमें तो लग्न चार्ट ही लेना है, ये तो D60 तो मैंने सिर्फ वैदिक के हिसाब से, क्योंकि आजकल बहुत प्रोमिनेंटली लोग इसके बारे में बात करते हैं, इसके डायटिक के बारे में बात करते हैं, बट टाइम रेक्टिफिकेशन के लिए D60, क्योंकि ये 2 मिनट के अंदर का सारा इंफॉर्मेशन खोल देता है, और इसके साथ आप लगाएंगे तो जैसे KPP भी सब नक्षत्र लेवल तक चलता है, तो इसलिए वहां से इसको रेफरेंस में कर सकते हैं। पर मैंने अभी D60 पे KP नहीं पढ़ा है, KP मैं पढ़ाता हूँ सिंपल स्केल पर। तो लेकिन यहाँ पर देखेंगे नक्षत्र बेस्ड में क्या कह रहा हूँ, केतु धनिष्ठा के नक्षत्र में, केतु जो है लगन चार्ट के अंदर धनिष्ठा के नक्षत्र में, शनि जो है वो सूर्य के नक्षत्र में है, और बाकी जो गुरु मंगल राहु ये सब के सब धनिष्ठा नक्षत्र में। अब यहाँ पर आप ये कहेंगे कि भाई ये चार्ट में आप कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पर जो चाइल्ड बर्थ है वो चाइल्ड बर्थ आप इस राशि के हिसाब से कैसे कह सकते हैं कि गर्ल, ठीक है वो आपकी मैं बात मान सकता हूँ कि भाई यहाँ पे नक्षत्र बेस से हमें पता नहीं चलेगा, तो यहाँ पर भी जो कंसेप्ट है वैदिक वाला वो नहीं लगेगा कि भाई रेट्रोग्रेड प्लेनेट है, रेट्रोग्रेड लॉर्ड है, वो उसको बदल देगा तो। लेकिन धनिष्ठा नक्षत्र जो है वो एक ड्रम का सिंबल, एक ढोल का सिंबल, तो ढोल के सिंबल से फिर आप ये कहेंगे कि भी कहाँ हम कहें कि भी ये गर्ल को इंडिकेट करता है। तो मेन बात यहाँ पर फिर वही आ जाती है कि भी केतु जो इसके साथ जो दृष्टि निकालने की या जो केतु की जो केपी के हिसाब से जो हाउसेस को एक्टिवेट करने की बात कह रहा है, तो वो मैक्सिमम जो यहाँ वैल्यू देगी वो फीमेल प्लैनेट्स के या फीमेल जहाँ प्लैनेट्स बैठे हैं उस हाउस की दे रहा है, तो उसके हिसाब से भी हम ये कह सकते हैं कि गर्ल का चार्ट हो रहा है। तो देखिए बहुत सारी चीजें हैं कि जहां पर आपको लगेगा कि मैं जबरदस्ती बता रहा हूँ, क्योंकि किसी को अगर दूसरे की बात काटनी है और आपको नहीं समझ में आ रही है तो वो जबरदस्ती बात लगेगी, मैं तो नहीं कह रहा कि मेरी बात माने, परंतु मैंने ये चारों चीजें बड़े दिल से अलग अलग और पैरेलल में भी पढ़ाया है, मतलब एक बैच न्यूमरोलॉजी का चल रहा है, एक वैदिक का चल रहा है, एक भृगु नंदी नाड़ी का चल रहा है, एक ही चीज एग्जाम्पल लेके पैरेलल में पूरा रिसर्च करके मैं आपको ये बता रहा हूँ। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, मैं आपसे सिर्फ एक ही उम्मीद करता हूँ कि आप इसको वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना है नहीं करना है आपकी मर्जी, लेकिन वीडियो को लाइक जरूर करें, और कोई जरूरतमंद जिसको इस तरह से अगर पूछना है या कोई और आप पढ़ के उनको बता सकते हैं उनकी हेल्प जरूर करें। जय श्री राम।